नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा, और जल्दी से हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं, क्योंकि हम इस सेशन में कई सारी बातचीत करने वाले हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। वैसे तो सूर्य ग्रहण एक वैज्ञानिक घटनाक्रम है और इसे साइंटिफिक रीजन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार सूर्य ग्रहण जो है वो उसमें सूतक काल लगते हैं, कई सारी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं। इन सब चीजों पर आज हम इस सेशन में बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजनाथ झा ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम इसको लेकर पूरी जानकारी लेंगे। और दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी कुछ भी जानना चाहते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी कोई भी जानकारी, तो आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए पूछ सकते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राजनाथ झा जी आपका हमारे न्यूज झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो बात सूर्य ग्रहण की हम कर रहे हैं, तो कल यानी कि 2 अक्टूबर को जो है सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, और शायद ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है। तो कैसे इसकी शुरुआत होने वाली है, कितने बजे से कितने बजे तक सूतक काल रहने वाला है? दरअसल मैं बताऊं कि ये सूर्य ग्रहण जो है ना, ये सूर्य ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। हमारे भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी हैं, और कई दिनों से देख रहा हूँ कि लोग YouTube के माध्यम से या अन्य माध्यम से इस सूर्य ग्रहण को बहुत क्योंकि बहुत प्रचारित प्रसारित हो गया है, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो हो ही जाता है कि सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है। लेकिन मैं स्पष्टता बताऊं कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे भारतवर्ष में नहीं पड़ने वाला। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका पश्चिम और उस अमेरिका में पश्चिम अमेरिका में दृष्टिगोचर होगा, और हमारा शास्त्र कहता है कि जब हमारे क्षितिज पर जब ग्रहण होता है, तो हम ग्रहण से संबंधित जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, खाना नहीं खाना चाहिए या पूजा नहीं करना चाहिए या मंदिरों में सूतक लग जाती है या वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए, जनमानस के लिए एक नियम बनाया हुआ है कि इस नियम के तहत आपको सूर्य ग्रहण में रहना होगा, तो वो नियम लागू होती है। वस्तुतः ये सूर्य ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दृष्टिगोचर नहीं है। हमारे भारत के क्षितिज पर कहीं भी आपके आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को बताना चाहूंगा कि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारतवर्ष में कहीं नहीं लग रहा है। इसलिए कल कोई नियम सूर्य ग्रहण से कल सूर्य ग्रहण से संबंधित कोई भी नियम लागू नहीं होगा। कल महालया का दिन है, बहुत ही पावन दिन है। परसों से दुर्गा पूजा, शारदीय नवरात्र आरंभ होगा। जो भी व्यक्ति खरीदारी करना चाहते हो, माता के पूजन सामग्री लाना चाहते हो, सूची होना चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो गंगा स्नान करके, क्योंकि माता का जब आवाहन होता है ना, उससे पहले एक दिन अधिवास होता है, तो कल अधिवास का दिन है, महालया का दिन है। और ये सूर्य ग्रहण का अगर प्रभाव पड़ेगा तो जो लोग अधिवास करते हैं, माता का अनुवर्जन करते हैं, वो थोड़ा भ्रम में रहेंगे कि आज सूर्य ग्रहण है, कब क्या करूं ना करूं, सामान कब लाऊं, माता का पूजा का क्या करूं। तो ये सूर्य ग्रहण हमारे भारतवर्ष में दृष्टिगोचर नहीं है। अतः सूर्य ग्रहण से संबंधित कोई कार्य हम भारतीयों को नहीं करना है। हाँ, अमेरिका में दृष्टिगोचर है, जो व्यक्ति अमेरिका या यूरोप में रहते हैं वहां सूर्य ग्रहण लगेगा। वहां जो भी हमारे सनातनी बंधु हैं, मित्र हैं, वो लोग सूर्य ग्रहण का नियम का अनुपालन करेंगे। जो यूरोप कंट्री में, विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जो सनातनी है, उन पे लागू। नियमों की बात करें, जिस तरीके से कहा जाता है कि सूतक काल के दरमियान पूजा नहीं करनी चाहिए और खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसके पीछे की कोई वजह रही होगी? इसके पीछे तो धार्मिक वजह है ही, वस्तुतः वैज्ञानिक वजह भी है। क्योंकि ग्रहण के समय में कुछ खाना वर्जित इसलिए रहता है कि हमारे जितने भी पदार्थ हैं सृष्टि में है, वो सूर्य से संचालित हैं, चंद्रमा और सूर्य के रश्मि के द्वारा ही। अगर कोई पौधा आप घर में लगा लीजिए और उस पर अगर सूर्य की किरण न पड़े तो उसमें विकृतियां आ जाती। तो सूर्य में जब भी कोई विकृति आएंगे, जैसे ग्रहण लगेगा,
तो सूर्य की किरण जो हमारे धरती पे आती है उसमें कुछ विकृतियां रहती है जो अन्न में जल में फल में निहित हो जाती है। तो अगर उस समय में कोई चीज अगर आप अन्न ग्रहण करते हैं जल पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें दूषित सूर्य का किरण न लगने के कारण दूषित ऊर्जा उसमें रहती है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रकारों ने सूर्य ग्रहण में कुछ भी खाना पीना वर्जित किए हैं और इसका और वो स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। अतः लोग सूर्य ग्रहण में सूतक में कुछ ग्रहण नहीं करते। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं के लिए खासतौर पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उस वक्त बहुत सारी चीजें उनके लिए वर्जित होती है, क्या कुछ उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उनको 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 ग्रहण नहीं देखना, बस तो ये ग्रहण तो है ही नहीं अपने देश में, फिर भी अगर ग्रहण के समय में उनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और अगर वो गर्भवती है तो शास्त्र कहता है कि एक धागा नख से लेकर के सिख पर्यंत नाप करके किसी कोना में करके रख देना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं विसर्जित कर देना चाहिए। इससे ग्रहण संबंधी छाया दोष उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी नहीं पड़ता और जो जो महिलाएं होती है उनके स्वास्थ्य पे भी कुप्रभाव नहीं पड़ता। वैसे अगर हम बात करें वरिष्ठ लोगों की, बुजुर्गों की, उन्हें भी कुछ प्रिकॉशन लेना होता है उस दरमियान? देखिए, बाल और वृद्ध को हमारे धर्मशास्त्र ने क्या मतलब उनको सुविधा दी है, कहा गया है कि बच्चों को और वृद्धों को दवा पानी इत्यादि वो ले सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। बाल और वृद्ध को छोड़ करके ये नियम लागू होता है। ठीक है, यानी कि और जितने लोग हैं उनको क्या कुछ है उस वक्त सावधानी बरतनी है जब तक अगर सूर्य ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो? अच्छा, जो भी लोग विदेश में हैं, जो भी लोग अमेरिका इत्यादि विदेश में हैं और हमारे बंधु हैं सनातनी हैं, उनको सूर्य ग्रहण के समय में अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण में कहा गया है कि सहस्र कोटि फल मिलता है, अगर आप कोई भी जप करते हैं कोई भी भगवान का नाम लेते हैं तो हजारों हजार जप करने का फल आपको प्राप्त होता है। तो जो भी कोई व्यक्ति जहाँ ग्रहण लग रहा है उस स्थान पे है और अपना धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहते हैं तो वो सूर्य ग्रहण के समय में अपने इष्ट देवता का जप करें। सूर्य ग्रहण में स्पर्श स्नान होता है, जब सूर्य ग्रहण लगे तब स्नान करें। बीच में मोक्ष स्नान होता है, मध्यकाल में मोक्ष स्नान अंत में होता है और आदि मध्य और अंत तीन स्नान का बहुत विशेष महत्व है। जब ग्रहण आरंभ हो तो स्नान करना चाहिए, जब ग्रहण का मध्य हो तो स्नान करना चाहिए, जब ग्रहण का अंत हो तो स्नान करना चाहिए। और ग्रहण के समय में अपने इष्ट देवता का जो भी भगवान को आप भजते हैं जिनके प्रति आपकी आस्था है उनका पूजा पाठ हवन इत्यादि करने से काफी ही पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रहण में अगर आप दान करते हैं तो दान की भी बहुत विशेष महिमा है। अगर ग्रहण में आप दान करते हैं तो अनंत अनंत दान करने का फल प्राप्त होता है आपको। तो दान धर्म यज्ञ पूजन क्या दान में कर सकते हैं, क्या ध्यान में रखना हो? दान में जो अपने विवाहानुसार जिनका जो विभव है वो दान करें। कोई ऐसा नहीं कि हम सोना दान करेंगे तो ही होगा, चांदी दान करेंगे तो ही होगा, ऐसा नहीं है। जिनको जो विभव है, भगवान जिनको जो चीज दिए हैं वो चीज दान करें, तो दान का विशेष महत्व है। कोई अन्न दान भी करते हैं, कोई फल दान भी करते हैं, कोई द्रव्य दान रुपया भी दान करते हैं, कोई हीरे जवाहरात भी दान करते हैं। तो अपने अपने विवाहानुसार दान करनी चाहिए। वैसे अगर हम बात करें, जब भी सूर्य ग्रहण खत्म होता है तो अक्सर हमारे घर में ऐसा होता था कि हमें चावल जो है वो छूना होता था, तो ये क्या विधि है, इसके पीछे क्या वजह है? अरे, हम हमारे सनातन धर्म में अन्नदान का भी बहुत विशेष महत्व रखा गया है। अच्छा, वो अन्नदान करने से अनंतानंद कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः मुझे लगता है कि जो सनातनी लोग हैं प्राय सब घर में अन्नदान तो होता ही है। अच्छा, वैसे और अगर हम बात कर ले, जैसे कि ग्रहण खत्म हो गया तो उसके बाद स्नान करना भी कंपलसरी माना जाता है, इसके पीछे भी कोई वजह है? ग्रहण के समय में जो भी कोई
आकाश मंडलीय जो एक खगोल में जो एक रश्मि का, क्योंकि क्या है ना कि हमारे सृष्टि पर जो है वो सूर्य के रश्मि का बहुत विशेष प्रभाव है, और ज्योतिष शास्त्र में माने तो सूर्य को ग्रह राज कहा गया। जितने भी ग्रह हैं नौ ग्रह वो सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और जितने भी नक्षत्र हैं वो सूर्य पे ही आधारित है। तो सूर्य जैसे ग्रह पे अगर ग्रहण है तो उससे समस्त चीजें जो प्रकृति में होने वाली सभी सभी चीजों में विकृतियां आती है, तो उस विकृतियों से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने की व्यवस्था है। अगर आप नदी में स्नान करते हैं तो उसका अलग फल है, तालाब में स्नान करते हैं, घर में स्नान, मतलब नहीं तो लोग अपने घर में ही जल में गंगा जल मिश्रित करके स्नान करते हैं। तो स्नान करने से जो भी हमारे तन पे मन पे बुद्धि पे शरीर पे विकृतियां आई है ग्रहण जन्य, वो सब दूर हो जाती है और एक असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और नए ऊर्जा के साथ हम अपने कार्य में तल्लीन हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजनाथ झा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि हम सूर्य ग्रहण पर बातचीत कर रहे थे, हालांकि जैसे कि पंडित जी ने बताया कि अभी सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में इसका असर होने वाला नहीं है, तो आप लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और कल 2 अक्टूबर है और उसके नवरात्रि की शुरुआत है 3 अक्टूबर से, तो उससे पहले आप नवरात्रि की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।